नमस्कार, अजय एस्ट्रोमनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा, आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त। अजय एस्ट्रोमनी के द्वारा आप सभी से मुखातिब होती ही रहती हूं। अजय एस्ट्रोमनी आपके लिए लेकर आया है खबर। जी हां, मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर कैसे भारत से पंगा लेना पड़ा भारी। दरअसल कुछ ही वक्त पहले भारत को तुर्की ने 55,000 टन गेहूं का ऑर्डर दिया था और जब गेहूं वहां पहुंचा तो तुर्की ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इसमें रूबेला नामक वायरस है, इसके लिए हम इसे नहीं खरीदेंगे। इसे साफ जाहिर होता है कि तुर्की की मंशा थी कि भारत को बदनाम किया जाए ताकि दुनिया का कोई भी देश भारत से गेहूं खरीदने की बारे में ना सोचे। लेकिन वहीं भारत को इसके जवाब में कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुर्की अपने ही जाल में फंस गया। क्योंकि तुर्की ने भारत का गेहूं वायरस बताकर रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन दूसरी ओर अपने ही देश में उसने भुखमरी की समस्या उसे सताने लगी, जिसके लिए वो इस समस्या का हल पाने पहुंचा यूक्रेन के पास। तो उस पर यूक्रेन ने कहा कि हम आपको गेहूं तो दे देंगे, लेकिन जिस रास्ते गेहूं जाएगा इस पर रूस का कब्जा है, तो आपको रशिया से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। और तुर्की ने जैसे तैसे रूस को मना तो लिया, लेकिन इस संदर्भ में रूस ने तुर्की से दो बातें कही। पहली हम तुम्हारी शिप्स की जांच करेंगे और अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो वहीं पर तुम्हारी शिप्स को जब्त कर लिया जाएगा, और दूसरा कि जिस ब्लैक सी से शिप्स जाएंगी वहां रूस के द्वारा सी लाइंस लगाई गई हैं, यानी कहीं भी कभी भी तुर्की की शिप्स ब्लास्ट हो सकती हैं। इसकी जिम्मेदारी रूस नहीं लेगा। तो वायरस का इल्ज़ाम लगाने तुर्की पर बहुत भारी पड़ा है और भारत से दुश्मनी लेना भी। तो ये थी रिपोर्ट जो हमने आपको दी है, और अनेक रिपोर्ट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।